ईवा इंडिया 2018 की यात्रा का शानदार समापन हुआ। ईवा इंडिया ने हाल ही में देश भर से आई प्रतिभाशाली लड़कियों में से सर्वश्रेष्ठ चुनने के लिए ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया। सुंदरता के क्षेत्र में यह सफलतापूर्वक कार्यक्रम रहा। निहारिका पाहवा को इस भव्य एवं शानदार प्रतियोगिता का विनर चुना गया। यह ग्रैंड फिनाले 21 दिसंबर 2018 को विवांता के होटल ताज द्वारका में आयोजित किया गया था। सलमान खुर्शीद बॉलीवुड के कई सितारों के साथ साथ यहां काफ़ी फेमस हस्तियों की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को भव्य बना दिया। ईवा इंडिया की संस्थापक श्रीमती रजनी कालरा ने कहा, ईवा इंडिया लड़कियों को हर पहलू में सशक्त करने की एक पहल है, हम आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। सुनीत कालरा है। वैसे मैं चीफ एडिटर हूँ हॉस्पिटैलिटी इंडिया मैगज़ीन का, और ये मैगज़ीन वन ऑफ द लीडिंग पब्लिकेशंस है टूरिज्म में, और मैं मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ इस कंपनी ईवा इंडिया का। और ये जो कार्यक्रम है, हम उन लड़कियों को सपोर्ट कर रहे हैं जो लड़कियाँ अपने घर से सपोर्ट नहीं पाती, और उनके लिए किसी कारण जो बन सकती हैं और ज़िंदगी में नहीं बन पाती बिकॉज दे आर वीक इन द सेंस फाइनेंशियली वीक, या उनको उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं करते या जो भी है, तो हम मैं उसी लाइंस को फॉलो कर रहा हूँ जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी फॉलो कर जो उन्होंने कह कहा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, उसी लाइंस पे हम इन लड़कियों से कुछ भी नहीं ले रहे बल्कि इनको प्रमोट कर रहे हैं जितना हम कर सकें और इनका कैरियर और फ्यूचर बन सकता है। तो वी हैव स्टार्टेड डूइंग, ये हमारा सेकेंड ईयर है इस इवेंट को करने का, एंड आई होप वील बी सक्सेसफुल। और मैं बहुत खुश होता हूँ जब प्रधानमंत्री की स्पीच में मैं सुनता हूँ कि वो लड़कियाँ जो नहीं पढ़ी लिखी उनको आप हम इसी फॉर्म में उनको पढ़ा रहे हैं, इसी फॉर्म में उनको एक हिम्मत दे रहे हैं कि वो स्टेज पे आके अपनी टैलेंट दिखा सकें और आगे बढ़ सकें। सर, आज जो प्रोग्राम में आप आए थे, गेस्ट बन के लिए क्या कहना है? देखिए, ये कालरा जी मेरे पुराने मित्र हैं, इनके परिवार से मेरे पुराने संबंध हैं, और मैं मानता हूँ कि ये बड़े एक सशक्त ऑर्गेनाइजर है, और एक वो फील्ड जो एक विशेष फील्ड है जिस फील्ड में बहुत सारे लोग हैं और जिसका मीडिया से ताल्लुक है, जिसका परफॉर्मेंस से ताल्लुक है, और जहां नौजवान लोग आते हैं वो अपनी उम्मीदों का अपना विवरण करते हैं, इसलिए नौजवानों को प्रोत्साहित करने के लिए, थोड़ा उनको हिम्मत दिलाने के लिए
जो खालदा जी काम कर रहे हैं, मैं आकर उसमें कुछ देर बैठता हूँ और उन सब के लिए ये प्रार्थना करता हूँ, दुआ करता हूँ कि उनको जीवन में बहुत सारी कामयाबी मिले। हेलो टू ऑल द फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया, मेरा नाम है सिमरन आहूजा और मैं मुंबई से आई हूँ मिस इंडिया 2013 मैग्निफिसेंट वुमेन आइकन और कल्चरल एम्बेसडर इन अ कपल ऑफ कंट्रीज लाइक पेरिस, यूएसए और दुबई। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर एंड टू सी अ ग्रेट रिस्पांस बाय द फ्रेंड्स फ्रॉम द मीडिया एंड प्रेस। थैंक यू वेरी मच। मैम, ऐसे आप रेगुलर आते हैं इवेंट्स में, क्या इस इवेंट को लेकर आपको कैसा उत्साह और क्या खास लग रहा है, कुछ क्या अलग लग रहा है? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस इवेंट को देखकर। ईवा इंडिया का सीजन 2 है और मैं कहना चाहूँगी कि हर एक जो कंटेस्टेंट है इतने प्रोफेशनल है, इतने परफेक्ट लगते हैं, एट पार विद इंटरनेशनल जो हमारे कंटेस्टेंट्स होते हैं। सो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि हर एक सिटी में जाकर जिस तरह से रजनी कालरा और सुनीत कालरा जी ने अपना ऑडिशंस लिया है और जिस तरह से उन्होंने हर एक कंटेस्टेंट को सिलेक्ट किया, उन्हें ग्रूमिंग दिया है जस्ट टू बी परफेक्ट टू रिप्रेजेंट इंडिया ऑन एन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। तो मैंने उनसे यही कहा कि आज तो हम ईवा इंडिया का टाइटल क्राउन करेंगे लेकिन हमें इन कंटेस्टेंट्स को अब्रॉड भी भेजना चाहिए बिकॉज दे आर एट पार विद द इंटरनेशनल कंटेस्टेंट्स। बिल्कुल, ऑफकोर्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है सभी लड़कियों के लिए, वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर द फिल्म इंडस्ट्री और वट एवर यू वॉन्ट डू इन द लाइफ। ये यहाँ से जो भी बच्चे फिल्म इंडस्ट्री की तरफ जाएंगे, मैं उनके लिए पूरा सपोर्ट करेंगे। और हम हर साल हमारे सुनीत काला साहब का हम सपोर्ट करते हैं और इस संस्था का सपोर्ट करते हैं। दैट्स व्हाई आई केम हियर। एज अ प्रोड्यूसर आप कैसे देखते हैं, आपने इतने टैलेंटेड फिल्म्स को देखा है, हीरो को देखा है, लेकिन आपको लगता है कि अभी भारत के अंदर कुछ छोटे इलाकों में, छोटे कस्बों में, छोटे गाँव में अभी भी टैलेंट बचा हुआ है? बिल्कुल यार, 135 करोड़ देश की जनता है और उसमें ऐसे हजारों लाखों लोग हैं जो टैलेंटेड हैं बट जिन्हें प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। बाकी इसी तरह के प्लेटफॉर्म से धीरे धीरे उन लोगों को जगह मिलती है और वो पहुंचते हैं। जितने भी आज सुपरस्टार 3 स्टार को छोड़ के जो भी हैं, जो इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश हैं, ताकि कार्तिक आर्यन, राजकुमार राव, सुशांत सिंह राजपूत, वो भी सभी इसी तरह के छोटे छोटे स्टॉन से, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म से गए हैं और जो आज सक्सेसफुल स्टार हैं।